हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अ न्यू स्ट्रैटेजी वीडियो ऑफ क्रिप्टो अलायंस। आज हम लोग बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में, बिटकॉइन के मूवमेंट के बारे में, इथेरियम के बारे में, लूना और कुछ ऑल्ट कॉइंस के बारे में बात करेंगे कि हम लोग ग्राफ से क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं या उनके मूवमेंट मेजर टाइम फ्रेम और माइनर टाइम फ्रेम पर क्या होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग अब चलते हैं चार्ट्स की तरफ। तो मैं आपको चार्ट्स की तरफ ले चलता हूँ। एंड सबसे पहले हम लोग चार्ट की बात करेंगे तो बिटकॉइन का 4 आवर चार्ट फ्रेम हम लोग देखेंगे। तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पर अभी जो है एक बिटकॉइन ने बेरिश चैनल बनाया हुआ है एंड उसको रिस्पेक्ट कर रहा है। अगर आप लोग इसको गौर से देखें तो इस ट्रेंड लाइन को उसने काफ़ी फॉलो कर रहा है बहुत देर से। ये 12 ऑफ अप्रैल से इस लाइन को, इस ट्रेंड लाइन, इस पैरेलल चैनल को जो है फॉलो कर रहा है। यहाँ से रिजेक्ट हुआ, इस ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हुआ जैसे आपने देखा, और यहाँ पे ट्रेंड लाइन सपोर्ट बनाया और वहाँ से फिर से पंप हुआ, फिर इस ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हुआ एंड सो ऑन पैरेलल चैनल में चलते हुए यहाँ तक आया है। अभी का जो मूवमेंट है बिटकॉइन का वो ये है कि हमारा अभी का एक्सपेक्टेशन है कि हम लोग मेजर सपोर्ट पे आ चुके हैं ट्रेंड लाइन के। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग मेजर जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट था, ठीक है, देखो यहाँ पे आ चुके हैं एंड इंडीड हम लोगों ने सपोर्ट होल्ड करने का पूरा ट्राई किया है। बट अभी इन केस अगर हम लोग ये मेजर टाइम फ्रेम पे सपोज करें कि ये यहाँ से होल्ड करके एक जो माइनर रेजिस्टेंस है 36.8 और 36.9 के आसपास का, उसको ब्रेकआउट करके इस पैरेलल चैनल में टॉप रेजिस्टेंस की तरफ जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है वहाँ तक जाएगा जो 38,000 की रेंज पे है, वहाँ तक हम लोग अपवर्ड मूवमेंट देख सकते हैं। बट अगर उसी टाइम हम लोग एक माइनर टाइम फ्रेम की बात करें, और पहले एक मैं आपको इंडिकेटर के बारे में बता दूं, अगर हम लोग मैकडी को देखें ना, अगर हम लोग 4 आवर टाइम फ्रेम पे मैकडी को देखें, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप लोग अगर मैकडी को देख पा रहे हो तो मैकडी एक बुलिश क्रॉस बनाने वाला है बहुत जल्दी। 1 से 2 या 3 कैंडल के अंदर एक मैकडी बुलिश क्रॉस बना देगा और वो हमारे लिए एक अच्छा इंडिकेटर और अच्छा इंडिकेशन है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा बहुत एक मूवमेंट जो पैरेलल चैनल में चल रहा है वो दे सकती है। मींस यहाँ से एक मूवमेंट हमको ये वाला प्रेडिक्शन दे सकती है एंड हम लोग रेजिस्टेंस तक जा सकते हैं, जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है वहाँ तक जा सकते हैं। एंड इसको आप लोग मैकडी इंडिकेटर से भी समझने का ट्राई करते हैं, मैं आपको मैकडी इंडिकेटर समझाने की ट्राई करता हूँ। ये देखिए, आप लोग देख रहे हैं ना, जब भी जो ऑरेंज वाली लाइन है वो ऊपर से ब्लू वाली लाइन को क्रॉस करती है, इसको बुलिश क्रॉस बोलते हैं, मैकडी बुलिश क्रॉस, एंड मार्केट वहाँ से पंप करती है। और पीछे की वैल्यूज़ में आप देख सकते हैं, जब ये ऑरेंज वाली लाइन ऊपर से क्रॉस करती है ब्लू वाली लाइन को तो एक बुलिश मूवमेंट देखने को मिलता है। एंड आपने ये वाली कैंडल देखी, देखिए बुलिश मूवमेंट देखने को मिला उसी कैंडल पे, तो वैसे ही यहाँ पे एक बुलिश मूवमेंट देखने को मिला इस कैंडल पे। और इस कैंडल में आप आएंगे तो यहाँ पे आपको एक बुलिश क्रॉसओवर मिला और ये एक बुलिश कैंडल मिली। तो अगर ऐसे ही हम लोगों को एक बुलिश क्रॉस यहाँ पे मिल सकता है तो यहाँ पे एक बुलिश कैंडल देखने को मिलेगी जो हम लोगों को इस रेजिस्टेंस तक ले जाएगी। अभी फ़िलहाल के लिए हमारा आइडिया यही रहेगा कि हम लोग अभी जो है शॉर्ट्स जो भी होंगी हमारी उनको क्लोज करके मैक्सिमम प्रॉफिट बुक करने का ट्राई करेंगे एंड वेट करेंगे। अभी हम लोग अगर माइनर टाइम फ्रेम की बात करें या 1 घंटे के टाइम फ्रेम की बात करें, ठीक है, अगर 1 घंटे के टाइम फ्रेम की बात करें तो एक ये जिसने भी अगर गौर से देखा हो तो एक ये ट्रेंड लाइन बन रही थी और उस ट्रेंड लाइन को हम लोगों ने रिस्पेक्ट किया है एंड उस ट्रेंड लाइन को हम लोगों ने ब्रेकआउट किया है। ये आप लोग देखिए, ये एक ट्रेंड लाइन थी इस पर्टिकुलर पॉइंट से, उस ट्रेंड लाइन को हम लोगों ने ब्रेकआउट दिया है एंड वी हैव रीटेस्टेड इट सक्सेसफुली। उस पर जो रीटेस्ट हुआ है, माइनर टाइम फ्रेम की बात है, उस पर रीटेस्ट जो है सक्सेसफुल हुआ है। एंड अगर ये भी सपोर्ट कर देता है, अगर ये भी जो है मूवमेंट को सपोर्ट करता है तो ये भी एक बुलिश इंडिकेशन है शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए कि हम लोग रेजिस्टेंस, जो हम लोगों का मेजर ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस था वहाँ तक हम लोगों को जाने में एक मौका मिल सकता है। मींस जो सपोर्ट है ना वो इजीली होल्ड करके हम लोग ऊपर जा सकते हैं। बट कोई भी लिक्विडेशन कैंडल और वेल्स इसमें गेम ना करें तो हम लोगों को मूवमेंट एक अपवर्ड देखने को मिलेगा यहाँ से। जैसे आप लोगों ने देखा ये ब्रेकआउट हुआ और उसने एक यहाँ पर रीटेस्ट लेने का ट्राई किया एंड नाउ इट विल हेड टुवर्ड्स दिस माइनर रेजिस्टेंस। ये एक माइनर रेजिस्टेंस है, इसके पास जाएगा एंड मे बी यहाँ से रिजेक्ट हो सकता है। हम लोग वेट करेंगे इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने के लिए, ठीक है। अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है तो हम लोग पैरेलल चैनल के टॉप तक उसको आराम से लॉन्ग करेंगे, ठीक है, उसको ईजिली लॉन्ग करेंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे उसके बाद का मूवमेंट क्या होता है। और ऑल्ट कॉइंस पर नज़र रखते हैं एक सेकेंड के लिए, जस्ट मैं 1 मिनट में वापस आता हूँ। तो गाइज, जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे बिटकॉइन के मूवमेंट के बारे में, ये जो ट्रेंड लाइन थी उसको ब्रेकआउट देके रीटेस्ट किया है एंड हम लोग रेजिस्टेंस तक एक अपवर्ड मूवमेंट देख सकते हैं। और अगर उसको भी ब्रेकआउट दे देगा तो हम लोग एक जो ट्रेंड लाइन था, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस था, वहाँ तक एक मूवमेंट देख सकते हैं। देखो वीकेंड है, वॉल्यूम कम है ना, तो हम लोग वेट करते हैं क्योंकि मंडे तक में भी हम लोगों को एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो अभी इथेरियम की बात करते हैं, इथेरियम में भी सेम चीज़ ही है ना। अगर तुम लोग देखो ना तो ये जो पैरेलल चैनल है उसी पैरेलल चैनल को रिस्पेक्ट कर रहा है एंड काफ़ी उसी के हिसाब से चल रहा है। उसने फेक आउट दिया था, ब्रेकआउट देके एक थोड़ा सा ऊपर जाके बाद में जब बिटकॉइन डंप हुआ तो एज एक्सपेक्टेड इथेरियम भी डंप हो गया था। बट अभी इथेरियम भी अपने जो मेजर ट्रेंड लाइन सपोर्ट है उसी को होल्ड करे हुए, अगर हम लोग 4 आवर टाइम फ्रेम की बात करें
तो ये देखो अभी भी उसी ट्रेंड लाइन सपोर्ट को होल्ड कर रहा है ना। इथेरियम में इतना डाउनफॉल नहीं आया है रिस्पेक्टिव ऑफ बिटकॉइन। एंड इसमें भी अगर हम लोग मैकडी और इंडिकेटर्स के बारे में बात करें तो अभी सिर्फ और सिर्फ मैकडी इंडिकेटर की बात कर रहे हैं, और फर्दर वीडियोस में जैसे जैसे वीडियोस आगे बढ़ेंगे हम लोग और अलग अलग इंडिकेटर्स की बात करेंगे। तो ये मैकडी जो है क्रॉसओवर करने वाला है, जैसे बुलिश क्रॉसओवर करेगा हम लोगों को यहाँ से एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा। बट बिटकॉइन डंप ना हो, क्योंकि हमारा जो सीएमई गैप है, जिनको नहीं पता सीएमई गैप क्या होता है तो उन लोगों को नेक्स्ट वीडियो में सीएमई गैप के बारे में बता दूंगा। अभी जो सीएमई गैप है हम लोगों का बिटकॉइन के बारे में, देखो बिटकॉइन पे दो सीएमई गैप। सीएमई गैप क्या होता है, जब भी मार्केट फ्राइडे को जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है क्लोज होता है, और जब मंडे को खुलता है तो जो गैपिंग में गैप डाउन और गैप अप होता है उसको हम लोग सीएमई गैप बोलते हैं। उसका एक अलग स्पेसिफिक रीज़न होता है, उसकी वजह से क्या होती है, जो 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 जितने भी सीएमई गैप होते हैं 90% वो फिल हो जाते हैं आज कल परसों एक महीने बाद दो महीने बाद। मोस्टली ट्राई करते हैं ऑटोमेटिक अपने आप को फिल करने की। तो अभी आप लोग देखो कि जो सीएमई गैप है ना, ये एक ये सीएमई गैप है, ये सीएमई गैप दिखाओगे आपको, तो ये सीएमई गैप बिटकॉइन फिल करने का ट्राई करेगा, अपनी पूरी ट्राई करेगा कि ये बिटकॉइन अपना सीएमई गैप फिल करके ऊपर वाला सीएमई गैप जो है, जो यहाँ पे सीएमई गैप बना, इसको फिल करने का ट्राई करे। तो हम लोग एक डाउनफॉल देख सकते हैं 32,000 तक मेजर टाइम फ्रेम पे। अभी शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए तो हम लोगों को मार्केट जो है रेजिस्टेंस तक जाते हुए दिखेगी, एंड मे बी रेजिस्टेंस से रिजेक्ट होने के बाद हम लोग इस सीएमई गैप को फिल करने आएंगे। एंड इस सीएमई गैप को जब फिल कर लेंगे तो वहाँ से जो बाउंस मिलेगा हम लोगों को, एक बढ़िया बाउंस देखने को मिलेगा। अगर आप लोग इंडिकेटर की बात करें तो अभी इसमें मैकडी पैरेलल हो चुका है। अगर किसी को पता हो मैकडी का यूज़ क्या होता है, तो मैकडी जो देखो पैरेलल हो गया है, मीन्स मैकडी अलग अलग भाग रहा है, कोई साइन नहीं है वन डे टाइम फ्रेम पे सीएमई के कि वो बुलिश हो, है ना। तो अभी फ़िलहाल हम लोग जो है सीएमई के हिसाब से अगर देखें तो शॉर्ट टाइम फ्रेम पे हम लोगों को एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है, बट जो मेजर टाइम फ्रेम है वो सीएमई गैप को फिल करने का ट्राई करेगा, एंड उसके बाद वो एक अपवर्ड मूवमेंट लेने का कोशिश करेगा। लूना की बात करें तो लूना ने इतना ज़्यादा डाउनफॉल नहीं दिखाया था, है ना। लूना जो है इतना ज़्यादा डाउनफॉल नहीं दिखाया था, बट देखो लूना जो है अगर पुरानी की बात करें तो पुरानी वैल्यूज़ पे ही है, अपनी फिबोनाची लेवल्स पे है। अभी तो लूना में इतना कोई खास मूवमेंट नहीं है। देखो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ था, हम लोगों ने अगर माइनर टाइम फ्रेम पे इस पे ट्रेड ली थी, जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, है ना, आप लोग ज्वाइन कर लेना। देखो हम लोगों ने जो है ब्रेकआउट जब हुआ था, हम लोगों ने इसमें ब्रेकआउट देखा था, हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ से जो है ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करके होल्ड करेगा, बट जब यहाँ पे ब्रेकआउट किया था ट्रेंड लाइन तो हम लोगों ने यहाँ से शॉर्ट ट्रेड ली थी। एंड जो टेलीग्राम पे हैं उनको पता होगा, यहाँ से हम लोगों ने शॉर्ट पोजीशन ली थी, एंड इंडीड ठीक ठाक एक कैंडल क्लोजिंग के बाद हम लोगों ने यहाँ से शॉर्ट लेने का ट्राई किया था, एंड काफ़ी डंप हुआ है। 11-12% के आसपास का डाउनफॉल देखने को मिला है हमें उसके बाद, ठीक है। जो फिबोनाची लेवल थे उसको भी ये होल्ड नहीं कर पाया, एंड नाउ इट इज़ फॉर्मिंग अ बुलिश क्रॉसओवर। जैसे आप देख सकते हो कि ये जो है ना एक बुलिश क्रॉसओवर बनाने की कोशिश कर रहा है मैकडी में। अगर ये बुलिश क्रॉसओवर बनाता है तो सेम सीन है, एक ट्रेंड लाइन बनाएगा वो माइनर टाइम फ्रेम पे, जैसे बिटकॉइन बना रहा है उसी के हिसाब से मूवमेंट करेगा। और ऑल्ट्स के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, बट अभी हम लोग डिप में बाय कर सकते हैं। तो हमारा जो है ऑप्शन यही रहेगा, जो मेरा सजेशन यही रहेगा आप लोगों को कि आप लोग डिप्स ना मिस करें, है ना, क्योंकि ये आने वाली एक दो डिप के बाद ये लास्ट डिप हो सकती है, उसके बाद हम लोगों को एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है अपवर्ड, और अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो जो जितना भी आपके पास अमाउंट है उसको पार्ट्स में बाय करना स्टार्ट कर दिए। 33% जो है आप स्पॉट बाइंग अभी कर लिए, एंड अगर हम लोग जब भी सीएमई गैप फिल करने के लिए जाएंगे तो 33% आप लोग तब कर लीजिएगा, एंड 33 रेस्ट फॉर ट्रेडिंग। तो अपने मनी को मैनेजमेंट करना है, अपना जो आपका जो पैसा है ना, आप उसको मैनेज करना है कि हमें उसको कैसे हिसाब से एडजस्ट करना है, ताकि हम स्पॉट को भी बैलेंस कर लें और ट्रेडिंग को भी बैलेंस कर लें। एक वीडियो मैं एक आध दिन में कल तक बनाने का ट्राई करता हूँ, उसमें मैं आपको 5 ऐसे कॉइन्स बताऊँगा जो डेली टाइम फ्रेम पे बिल्कुल डाउन है, बहुत ज़्यादा डाउन है, आप लोगों को ग्राफ के साथ बताऊंगा, आप उनको मिस ना करिएगा। सपोज़ करिए जैसे मैं फैंटम की बात करूं, तो फैंटम में अगर आप आएँ, फैंटम में आप डेली टाइम फ्रेम खोलें तो आप ये देखिए, वो अपनी वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा डाउन है, एक्सट्रीमली डाउन है अपनी वैल्यू से। तो ऐसे जो कॉइन्स हैं ग्राफ के बेसिस पे हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको कौन कौन से कॉइन्स आपको बाय करने हैं, जो आपको आने वाले 2-4 महीने में 2x 2-3x 4x प्रॉफिट ईजिली दे देंगे। तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड करूंगा उसमें आपको 5 ऐसे कॉइन्स बताऊंगा जो आपको 2x 3x 4x प्रॉफिट देने की कैपेसिटी रखते हैं, याद रखिएगा। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, आज की वीडियो में इतना ही। BTC का क्विक अपडेट देखा हम लोगों ने, इथेरियम के बारे में बात की, लूना के बारे में बात की, और आपको ग्राफ बताया, एनालिसिस बताया कि हम लोगों का मूवमेंट कैसा प्रेडिक्शन हो सकता है या हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी अकॉर्डिंग ट्रेड के लिए, ठीक है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, हमारे साथ जुड़े रहिए नेक्स्ट वीडियो में। जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आता है आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए, ताकि कोई भी जो अपडेट्स हैं वो इंस्टेंटली आपके पास आ जाए और आप कोई भी वीडियो अपडेट मिस ना करें। हमारे वीडियो को अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी बन गई है, क्योंकि ये वीडियो में थोड़ा सा आपको डिटेल में समझाया था। नेक्स्ट वीडियो जो होंगी उसमें आपको बस खाली एक ब्रीफ ओवरव्यू दूंगा, और
बहुत जल्दी हम लोग लाइव सेशंस करेंगे यूट्यूब पे, जिसमें हम लोग लाइव एनालिसिस करेंगे एंड ट्रेडिंग करेंगे कि हम लोगों को कैसे ट्रेड करना है एंड मनी मैनेजमेंट। बहुत से लोगों की दिक्कत होती है जिनको मनी मैनेजमेंट नहीं पता होता क्या होता है, उनको मनी मैनेजमेंट के बारे में बताया जाएगा और जो बेसिक्स होते हैं ट्रेडिंग के वो सिखाए जाएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स फैमिली जितने भी ट्रेडर्स हैं उन सब तक पहुँचा दीजिए ताकि वो लोग भी बेनिफिट हो सकें और जो भी हम लोगों की नॉलेज है उससे कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट ले पाएँ। तो ट्रेडिंग विदाउट अ प्लान इज़ अननेसेसरी ट्रेडिंग हमेशा आपको लॉस देती है। आपको ट्रेड करना है, आपको हर दिन ट्रेड नहीं करना है, आपको मौके पे ट्रेड करना है, मौके का वेट करना है एंड एज सून एज मौका आए आपको उस पर छक्का मारना है, आपको करेक्ट बॉल का वेट करना है, जैसे ही बॉल है आपको उसको हिट करना है। तो आपको अभी क्या करना है, अभी सिर्फ आपको वेट करना है करेक्ट अपॉर्चुनिटी का, जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको उस पर हिट करना है एंड आपको सिक्सर मारना है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में आपको बढ़िया से कॉइन्स बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद।